जय गंगे, जय जय गंगे, जय हो गंगे, जय जय गंगे, जय। हर क्षण गंगा की जय जय करते रहते हो। यदि इतनी प्रिय है तो उसकी शरण में चले क्यों नहीं जाते? पितरों की तरह तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। गुरुदेव, कहीं आपको ये संदेह तो नहीं हो रहा कि मैं भी गंगा से भयभीत हो गया? हाँ। गुरुदेव, गंगा ने केवल पितरों को मुक्त किया है, आर्यमा को नहीं। और जब तक आर्यमा हमारे पास है, ना तो गंगा सुरक्षित है और ना ही उसके द्वारा बनाई गई कोई व्यवस्था। आर्यमा? अंधकासुर! अंधकासुर! मुक्त करो मुझे! करो मुझे! अंधकासुर, ये तुमने बड़ा ही उचित कार्य किया है। आर्यमा पितरों का वो संरक्षक है जिसके अधीन जीवन मरण का चक्र है। सत्य कहा गुरुदेव। और जब तक आर्यमा हमारा बंदी है, संसार में मरण तो हो सकता है, किंतु जन्म नहीं। और इसीलिए अब निश्चित होगा गंगा का मरण। कैलाश की उस दिव्य छवि को तो हम भूल ही नहीं सकते। कितना दिव्य था कैलाश के दर्शन करना। यदि हमें भी कैलाश के दर्शन प्राप्त होते तो कितना अच्छा होता ना। हम कैलाश को देख नहीं पाए तो क्या हुआ, सुन तो सकते हैं ना। गंगा, बताओ कैसा है महादेव का कैलाश? पहले तुम हमें झुलाओ तो सही। आओ। अब बता भी दो गंगा। परमात्मा के समान पवित्र और उज्जवल और महादेव के समान शांत और समाधि में रमा हो, और इतना आनंद आए जैसे जैसे जीवन के सारे उत्सव वहीं प्रवास करते हो। और तो और ऐसा लग रहा था जैसे डमरू और ओम की दिव्य ध्वनि वहां के कन कन से निकल रही हो। और रुद्राक्ष के वो वृक्ष, हा, वैसे वृक्ष तो पूरे संसार में कहीं नहीं है। नंदेश्वर, किंतु ये तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? हाँ विजया, मुझे कैसे पता होगा? मैं थोड़ी ना गया था गंगा के साथ कैलाश में। क्यों गंगा, है ना? वही तो क्या तुम्हें गंगा ने बताया? नहीं। अब जया, गंगा मुझे क्यों बताएगी? गंगा भी तो अभी पहली बार बता रही है ना कैलाश के बारे में। क्यों गंगा, है ना? हाँ अवश्य, हम तो पहली बार ही बता रहे। किंतु अब तुम ये मत कहना तुम्हें साक्षात महादेव ने बताया है। महादेव? हाँ। नहीं। अब गंगा, भला महादेव मुझे क्यों बताएंगे? परंतु महादेव के कैलाश की महिमा तो ऋषि मुनि गाते ही रहते हैं, उन्हीं से सुनी थी मैंने। नंदेश्वर, हमें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा महादेव और कैलाश से कोई संबंध है? कैलाश से मेरा संबंध। अब मैं तुमसे असत्य कैसे कहूं गंगा? कैलाश से मेरा संबंध है। बताओ ना, क्या संबंध है तुम्हारा कैलाश और महादेव से? वही जो तुम्हारा है महादेव के साथ, प्रेम और भक्ति का। अच्छा, तभी तो तुम हमारे मन की बात बिना बताए समझ जाते हो। ये लो, तुम्हारे साथ बातों बातों में हम तो भूदेव काका के घर जाना ही भूल गए। हाँ, जाओ जाओ। अर्थात गंगा ये कि तुम्हें भूदेव काका के घर जाने में विलंब हो रहा होगा ना, इसलिए शीघ्र जाओ जाओ। झुलाओ जलाओ। आज तो भूदेव काका ने बचा लिया, पर मुझे नहीं लगता गंगा कि मेरा सत्य आपसे अधिक दिनों तक छुप सकता है। अंधकासुर, मुक्त करो मुझे, मुक्त करो मुझे। पितरों के अधिपति, मैं तो कब से तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, किंतु जब तुम स्वयं ही मुक्त नहीं होना चाहते तो मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूं? मुक्ति, मुक्ति के नाम पर तुम सभी दिव्य पितरों के समान मुझे भी असुर बनाना चाहते हो, किंतु यह जान लो अंधकासुर, मैं कभी तुम्हारी आसुरी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, कभी नहीं। तो तुम भी समझ लो आर्यमा, सृष्टि का नियम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। शुक्राचार्य जी, ये तो अज्ञानी है, अभिमानी, किंतु आप तो बुद्धिमान है। हाँ? आप ही समझाइए अपने अज्ञानी शिष्य को, यहां ऐसे बंदी बनाने से मेरा मन नहीं बदलने वाला, कभी नहीं। क्या कहा अज्ञानी? यदि तुम इतने बड़े ज्ञानी होते तो मेरे बंदी नहीं होते आर्यमा। अंधकासुर, आर्यमा, मैं इन असुरों को तुमसे अधिक भली भांति जानता हूं, इसीलिए परामर्श देता हूं, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए दो पग पीछे भी लेना पड़ता है। आप मुझे पीछे हटने के लिए नहीं, अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं शुक्राचार्य जी। कैसे ऋषि हैं आप? नहीं आर्यमा, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा धर्म स्मरण करा रहा हूं। यदि तुमने अंधकासुर की बात नहीं मानी तो विश्वास रखो, संसार से जन्म मरण की व्यवस्था खंडित हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो संसार में मरण तो होगा किंतु जन्म नहीं होगा। राजकुमारी गंगा आई क्या? नहीं आई। राजकुमारी गंगा आ गई, राजकुमारी गंगा आ गई। प्रणाम राजकुमारी। प्रणाम। आप लोग भी अकारण ही हमारी प्रतिदिन प्रतीक्षा करते हैं। हमारे स्पर्श करने से आपका जल अन्न बदल थोड़ी जाएगा। तुम मानो या ना मानो पुत्री, किंतु तुम्हारे स्पर्श से जल पवित्र हो जाता है, दूध पावन हो जाता है और अन्न शुद्ध हो जाता है। हाँ राजकुमारी, इसलिए हमारे अन्न, जल और दूध से भरे हुए इन पात्रों को आप बस एक बार स्पर्श कर लीजिए। अब आप यही रहे तो हम कर लेते हैं। गंगा तेरी अद्भुत माया, तूने ऐसा रूप है पाया। गंगा तेरी अद्भुत माया, तूने ऐसा रूप है पाया। छूले जिस तू दिव्य हो जाए, तुच्छ सकण भी भव्य हो जाए। छूले जिस तू दिव्य हो जाए, तुच्छ सकण भी भव्य हो जाए। गंगा तेरी महिमा न्यारी, प्रेम स्वरूपा सबकी प्यारी। भाव तेरा सबसे निर्मल है, गंगा पावन पावन जल है। गंगा तेरी अद्भुत माया, तूने ऐसा रूप है पाया। शुक्राचार्य जी, मैं जानता हूं मुझे असुर बनाने के लिए आप लोग मेरे साथ छल कर रहे हैं, किंतु आप लोग कुछ भी कह लीजिए, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। मैं जानता था बिना अपनी आंखों से देखे तुम कुछ भी स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए तो अब तक तुम्हारी आंखें सुरक्षित हैं। देखो, स्वयं अपनी आंखों से देखो कि क्या हो रहा है धरती पर। दाइमा कुछ कीजिए, ये पीड़ा अब सहन नहीं की जाती। इस पीड़ा का एक ही कारण है, तुम्हारे बच्चे का जन्म ना होना। 12 माह हो गए, अब भी शिशु का जन्म क्यों नहीं हो रहा है? वही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। समय हो गया है फिर भी बच्चे का जन्म क्यों नहीं हो रहा? मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। कहते हैं कि अगर बच्चा 9 माह के बाद जन्मे तो समझ लो किसी असुर की संतान है। ये क्या कह रही हो कमला? चुप चुप बोलो। ऐसा कैसे हो सकता है बुआ? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इस पापिन का दोष है। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे भी यही लगता है कि ऐसे पापी स्त्रियों को घर और समाज दोनों से बाहर करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? लोगों के यहाँ संतान का जन्म क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जब पितरों का संरक्षक स्वयं ही बंदी हो, मृत आत्माएं पितृ नहीं बन पाएंगी। और ये तो तुम भली भांति जानते हो। तो यदि मृत आत्माएं पितृ ना बन पाए तो संसार में उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। अब निर्णय तुम्हारा है आर्यमा, या तो तुम असुर बनोगे या धीरे धीरे इस पृथ्वी से मनुष्यों का अस्तित्व समाप्त होते देखोगे। प्रणाम काका। प्रणाम राजकुमारी गंगा। राजकुमारी गंगा, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। बैठिए। नहीं काका, पहले आप बैठिए। राजकुमारी जी, पहले आप बैठिए। नहीं काका, आप बैठ जाइए, आप हमसे बड़े हैं। बैठ जाइए ना काका। वो राजकुमारी गंगा। काका, अब आप ये मत कहिएगा गंगा हमारी औषधियों को स्पर्श कर दो। राजकुमारी गंगा, ये तो हिमालय के लोगों का आपके प्रति प्रेम है, तभी तो हम आपके पास औषधियों का ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, ताकि हम हिमालय के लोगों के प्रेम के बदले उन्हें सचमुच में कुछ तो दे सके। तो काका, आज हम किन औषधियों के बारे में जानने वाले हैं? काका, ये सारी वनस्पतियाँ तो बड़े काम की हैं, किंतु आप ये कौन सी औषधि बना रहे हैं? औषधि तैयार हुई क्या? आप शीघ्र कीजिए ना। काकी, सब ठीक तो है ना? आप बहुत चिंतित लग रही हैं। बात ही कुछ ऐसी हो गई है, आप जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। काकी, लगता है आपको याद नहीं, हम गंगा हैं। अब बताइए तो सही। अब क्या बताऊं राजकुमारी गंगा, आज से पहले ना कभी ऐसा सुना था और ना कभी देखा। हरि नारायण की पत्नी पिछले 12 माह से गर्भवती है, किंतु उसकी संतान ही पैदा नहीं हो रही। पता नहीं ये औषधि भी कार्य करेगी या नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो समझ नहीं आ रहा है। अब तो ईश्वर से ही प्रार्थना है ऐसी विकट समस्या किसी और के साथ ना हो। नहीं, ये कोई असुरी समस्या तो नहीं? इससे पहले ये समस्या किसी और के साथ हो, हमें इसका समाधान खोजना होगा। प्रणाम। सत्य कहती है बुआ, तू पापिन है, तेरी पाप का फल हम सब क्यों भोगे? निकल जा मेरे घर से। नहीं चाहिए ऐसी बहू जो असुर को जन्म देने वाली है। आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा ना सही, आप कम से कम अपने होने वाले संतान के बारे में तो सोचिए। नहीं देखता है मुझे तेरा मुख और तेरे होने वाले असुर संतान को। यहाँ लौट कर कभी मत आना, चली जाए यहाँ से। निकल जाए यहाँ से। रुक जाइए, रुक जाइए। पिताजी, द्वार खोलिए। अगर आप अपनी पुत्री को नहीं अपनाएंगे तो कहाँ जाऊंगी मैं? द्वार खोलिए पिताजी, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। माँ। नहीं अंधकासुर, नहीं। स्त्रियों का यह दुख और अजन्मे बच्चों का यह संताप मुझसे देखा नहीं जाता। अंधकासुर, मुझे शक्ति और पितरों की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारी अधीनता स्वीकार है। सृष्टि की व्यवस्था खंडित नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे भले ही मुझे असुर ही क्यों ना बनना पड़े। मुझे स्वीकार है। गुरुदेव, मैंने आपसे कहा था ना कि आर्यमा हमारी सहायता अवश्य करेंगे। किंतु अब मुझे केवल एक ही चिंता है कि गंगा की सहायता कौन करेगा? अब अपनी मृत्यु से तुम कैसे बचोगी गंगा? हमें लगता है संकट के पीछे अंधकासुर का कोई हाथ है, क्योंकि सारे असुरी कार्य वही करता है। इस करती है क्या? एक और असुर आने वाला है। बात असुरों की नहीं, स्त्रियों के संकट की है। हमें सबसे पहले समस्या का समाधान ढूंढना होगा। चलो। स्त्रियों का क्रंदन, किंतु ये है कौन और ये रो क्यों रही है? गंगा, ये वो स्त्रियां तो नहीं है जिनकी संतानों का जन्म नहीं हो पा रहा है। यदि ये सत्य है तो इसका अर्थ ये है कि किसी बड़े संकट का संकेत है। हमें पता लगाना होगा। चलो शीघ्र। हमें भय है कि कहीं ना काकिया दुख के कारण अपना कोई अहित न कर ले। हमें उनकी रक्षा करनी होगी नंदेश्वर। गंगा, उस स्त्रियों के क्रंदन का स्वर इसी पर्वत के पीछे से आ रहा था। आज हम सब अपने जीवन का अंत कर देंगे। ऐसे तिरस्कृत जीवन का अंत ही होना चाहिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.